नमस्कार दोस्तों मेरा यदि फिर से आपका अपने स्वागत करता हूँ होप्स होंगे आज फिर से हम अपने मच अवेटेड जो एक आईपीओ है जो इन्वेस्टर बहुत साइम से वेट कर रहे थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कंपनी का नाम है आदित्य बिरला लाइफ एमसी ये कंपनी के लिए इन्वेस्टर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे सो एट लास्ट ये ट्वेंटी सितंबर से ओपन हो रहा है और अक्टूबर वन तक बना रहेगा सो so, इसमें इस, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि हम आपको बता सके कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है और जो भी डिटेल इस आई पी के रिलेटेड है वो हम आप तक प्रोवाइड कर सके सो so, लेस्ट टूडे तो वीडियो आईते बिल एम सी आई पी ओ ये जो आईपीओ जो है वो 29 सितंबर से वन वन अक्टूबर तक रहेगा इसका फेस वैल्यू जो है फाइव रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है और आईपीओ का प्राइस बैंड जो कंपनी ने लाया है सिक्स नाइन्टी फाइव सेवन वन टू के बीच में है मार्केट लॉट जो कंपनी दे रही है एक एक लॉट के लिए आपको बीस शेयर दे रही है बी एस सी दोनों पर लिस्ट होने वाला है और तकरीबन ये जो आई पी साइज है टू करोड़ का है जो पूरा का पूरा ओ होने वाला है मतलब जो प्रमोटर कंपनी जो है वो बेचने वाली अपनी स्टेक सो तो इसमें से कंपनी के हाथ में जो एम कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं जाने वाला है इसके बाद कंपनी का जो ये अलॉटमेंट जो है लगभग आपको अक्टूबर सिक्स के आसपास दिखेगा और जो आई की लिस्टिंग जो रहेगी वो लगभग आपको इलेवन अक्टूबर के आसपास दिखेगा लॉट साइज की बात करें तो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम आपको एक लॉट के लिए चौदह दो सौ चालीस का इन्वेस्टमेंट करना जिसमें आपको बीस शेयर मिलेंगे और मैक्सिमम आप चौदह लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें वन नाइनटी नाइन का आपको इन्वेस्टमेंट करना है अभी कंपनी के प्रमोटर प्रमोटर होल्डिंग होल्डिंग तो 100% जो होल्डिंग है वो आदित्य बिल्ला कैपिटल लिमिटेड के हाथ में है जो जो प्रमोटर कंपनी है वो उनके हाथ में है और पोस्ट इश्यू के बाद ये जो प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो एटी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो के परसेंट के आसपास हो जाएगी इन्होंने जो कंपनी जो आदित्य बिल्ला कैपिटल लिमिटेड है

इसके बाद क्यू आई बी के लिए उन्होंने 50% परसेंट का कोटा रखा हुआ है एच एन आई के लिए 15% परसेंट के लिए कोटा रखा हुआ है और रिटेल के लिए 35% परसेंट का कोटा रखा हुआ है अगर हम कंपनी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कंपनी 1994 में इंकॉपेट हुई थी आदित्य बिल्ला सनलाइफ एम जो जॉइंट वेंचर थी ए मतलब आदित्य बिल्ला कैपिटल लिमिटेड की और सन लाइफ सी की कंपनी का जो मैं जो टोटल आप एयूएम देखेंगे क्योंकि कंपनी म्यूचुअल फंड और इस बिजनेस में है जो उनके लिए एम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, इसमें एयूएम जो है असेट अंडर मैनेजमेंट असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग उनके पास टू टू लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स फोर्टी थ्री करोड़ का है और इसमें इंक्लूडिंग उनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है पोस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज है ऑफिसर एंड रियल स्टेट ऑफरिंग है ये सब उनके पोर्टफोलियो में ये सब आ, ये सब उनके मतलब आप बोल सकते हैं उनके एम में है दिसंबर कंपनी जो है 135 स्कीम मैनेज करती है कंप्राइजिंग इसमें 35 फाइव इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है 93 थ्री डेप म्यूचुअल फंड स्कीम है टू लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम है फाइव ईटीएफ है सिक्स डोमेस्टिक एफओएफ फंड फंड ऑफ फंड जो है इनके थर्टी फर्स्टर ट्वेंटी ट्वेंटी के डेटा के हिसाब से है कंपनी का असेट का मंथली अगर एवरेज देखे आ, एवरेज जो देखे अंडर मैनेजमेंट तो लगभग थ्री करोड़ टिल दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी के डेटा में इनका दिखता है एस पर क्रिशियल रिपोर्ट भी इनके इसमें दिखता है कि कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस और ये सब जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है उसमें फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की कंपनी हाईली ऑटोमेटेड कंपनी है और इसमें डिजिटल जो उनका जो पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा डिजिटलाइज है जिसमें वो लोग ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन अदर ट्रांजेक्शन फंड कस्टमर ऑन बोर्डिंग उनके अकाउंट्स और उनके डेटा ये सब मैनेज करती है कंपनी इसके साथ कंपनी के प्रोमोटर अगर देखें तो आदित्य बिल्ला कैपिटल लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी जो है इसके साथ साथ सनलाइफ ए एम इन्वेस्टमेंट आई ये भी जो है कंपनी के दोनों प्रमोटर हैं कंपनी जो मैंने भले ही बोला कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है ये आईपीओ लाने का सिर्फ स्टेक सेल है जो कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पैसा उनके हाथ में जाएगा ना कि कंपनी के हाथ में जाएगा और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज से उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि प्राइसिंग का बेनिफिट मिलेगा उसके लिए ये लोग ये आई लेके आए हैं कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो लगभग इनके टोटल असेट जो है मार्च 19 का नाइनटीन करोड़ का था मार्च 20 में 157 करोड़ का था और मार्च 21 में वन करोड़ का था टोटल रेवेन्यू देखे तो चौदह करोड़ का उनका टोटल रेवेन्यू है मार्च ट्वेंटी का बारह करोड़ का रेवेन्यू है और मार्च ट्वेंटी में बारह करोड़ का रेवेन्यू है पैट की बात करें तो आप दे, आप देखेंगे इनका रेवेन्यू तो डिक्लाइन हो रहा है बट पैट उनका इंक्रीज़ हो रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनका इंक्रीज़ हो रहा है फोर फोर्टी सिक्स करोड़ का जो इनका पैट था थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन में फोर नाइन्टी फोर का थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी में और थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी में वन में ये बढ़ के फाइव ट्वेंटी सिक्स करोड़ का हो गया सो so आप देखेंगे इसमें रिवर्स ट्रेंड है रेवेन्यू तो घट रहा है बट प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी के अगर ई की बात करें तो सेवनटीन पॉइंट फोर फोर का ई दिया हुआ है और रिटर्न नेटवर्क जो है थर्टी फोर जीरो फोर फाइव लास्ट थ्री फिजिकल ईयर का जो एवरेज है वो दिया हुआ है इश्यू प्राइस की बात करें तो प्राइस टू तो बुक वैल्यू में इलेवन पॉइंट थर्टी एट ऑन इट्स एन ए वी सिक्सटी टू पॉइंट फाइव सेवन एन ए वी जो है उनका है 30, का, तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो प्राइस टू तो बुक वैल्यू के हिसाब से इश्यू फुल्ली प्राइस है मतलब सस्ता नहीं है मैं से और पी जो है कंपनी का लगभग थर्टी थ्री के आसपास है जो उनके पीयर्स के साथ कंपेयर करें जिसमें उन्होंने नाम दिया है एच डी एफ सी एम सी निपोन ए एम सी और यू टी आई एम सी जिनमें एच डी एफ सी एम सी का फोर्टी नाइन पॉइंट जीरो नाइन सेवन है और निपोन का फोर्टी पॉइंट ट्वेंटी सिक्स है और यू टी आई एम सी का थर्टी फोर सिक्स सिक्स है मतलब पी के हिसाब से देखिए तो अपने पीयर से थोड़ा सस्ता है बट प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी जो आईपीओ लेके आई है वो थोड़ा महंगा है मतलब पूरा फुल्ली प्राइस है इसके बाद देखिए तो कंपनी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो ए बी एस एल एम सी जो है मतलब आदित्य बिल्ला सनलाइफ एम सी जो है वो डिविडेंड पेमेंट डिविडेंड पेड कंपनी है मतलब अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है इसमें इनका अगर डिविडेंड ट्रेड देखें तो मार्च नाइन्टी में वन सिक्स सिक्स सेवन परसेंट का डिविडेंड दिया हुआ है वन एट डबल थ्री एफ ट्वेंटी में दिया हुआ है और सेवन सेवन पॉइंट जीरो एफ ट्वेंटी वन में दिया हुआ है तो अगर कोई डिविडेंड के लिए अगर कंपनी को प्रीफर करना चाहता है तो शायद वो कंपनी इस कंपनी को प्रीफर कर सकता है और इसमें कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी जो है फाइनेंशियल कंटिन्यू रहेगी मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से और फ्यूचर परफॉर्मेंस के हिसाब से जो मैनेजमेंट का जो रिव्यू है उसके हिसाब से वो कंटिन्यू रहने वाली है सो so, मोटा मोटी हम लोग अगर इनकी रिव्यू की बात करें तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ देखिए तो कंपनी एक नॉन बैंक एफिलियेटेड मैनेजमेंट कंपनी है असर मैनेजमेंट कंपनी है मतलब इनकी बैंकिंग बैंक uh, से कोई बैकअप uh, नहीं है बट फिर भी अच्छा खासा uh, मतलब अच्छा खासा असर uh, मैनेजमेंट उनके पास है और मतलब लगभग सेवन्थ रैंक में आती है और ट्रस्टेड ब्रांड भी है आदित्य बिला का टैग लगा हुआ है उसके साथ साथ दूसरा रैपिडली ग्रोथ कस्टमर बेस एक कस्टमर बेस बहुत बढ़ रहा है और वेल डाइवर्सिव पोर्टफोलियो और इनोवेटिव स्कीम्स इनके पास है इसलिए अगर समझो देखें और इवन प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता है, रहा। इत, आ है इवन रेवेन्यू जो है टॉप लाइन डेक्लाइन होने के हिसाब से भी और फाइनेंशियल पैरामीटर के हिसाब से कंपनी का ये जो शेयर है वो फुली प्राइस है दूसरा डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है और इसके साथ साथ ये जो अगर समझो कोई इन्वेस्टर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो डिविडेंड और ये को ध्यान में रखते हुए जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है सो so, हमारी एडवाइस तो इसमें यही रहेगी अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि इसमें ये जो आईपीओ जो फुली है फुली सब्सक्राइब होने की संभावना ज्यादा है बिकॉज ऑफ आदित्य बिल्ला का टैग लगा आदित्य बिल्ला का जो ग्रुप की कंपनी है और दूसरा इसमें ये हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है जैसे एच डी एफ सी एम सी का परफॉर्मेंस निफ़ोन लाइफ में आपको जैसे जिस तरह से आपको परफॉर्मेंस मिला है उस तरह से परफॉर्मेंस इसमें भी दिख सकती है लॉन्ग टर्म के लिए सो आप दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में जरूर इन्वेस्टमेंट करें और, और अपने वेल्थ को क्रिएट करें सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और लेटेस्ट आई जो जो आएंगे आपको उसकी अपडेट मिल सके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई अप्रिशिएट योर टाइम्स जय हिंद जय भारत